हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ललित टेक्निकल हिंदी। तो दोस्तों, आज में जो हमारा यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये यूपीएस से निकलता है। ये मैंने यूपीएस से निकाला, तो जो ये ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, इससे हम एक घर में उपयोग होने वाली बैटरी को कैसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है और जो ये इसका कनेक्टर था दोस्तों, ये मैंने काट लिया है। इस हिसाब से काट लिया मैंने, और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ये ब्लैक वायर वायर होती है दोस्तों, ये जो हमारी कॉमन होती है जिसको हम न्यूट्रल में यूज लेंगे। तो ये मेरे पास एक वायर है केबल, तो ये मैं इसमें जोड़ लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने इसको इसमें अच्छे से जोड़ दिया है, ये देखिए। और मैं इसको टेपिंग कर देता हूँ ताकि आपस में ना भिड़े। और उसके बाद हम दूसरी वायर जो डालेंगे, ये पीले वाले तार दोस्तों, ये हम इसको यहाँ से देखें, इसको फेस हमने इसको फेस दे दिया। अब इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे अपने पोर्ट जो होता है दोस्तों, घर में जो सप्लाई 220 जहाँ से मिलती है वहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ, देखिए यहाँ लगा दिया मैंने, ये प्लग लगा दिया है। अब दोस्तों इसमें सप्लाई आ चुकी है, इसके लिए मैं मल्टीमीटर का यूज करूँगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये मल्टीमीटर है, तो इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे एसी वोल्टेज पे दोस्तों। देखिए ये मैंने एसी वोल्टेज पे लगा दिया है मीटर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा एसी वोल्टेज पे। अब मैं करता हूँ इसके वोल्टेज चेक, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें 6 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मैं आपको उल्टा करके दिखाऊंगा, सही दिखाई देगा शायद। ये देखिए 6 वोल्ट है दोस्तों, इसमें 6 वोल्ट सो रहे हैं। अब मैं इसको बैटरी चार्ज करने के लिए हमें चाहिए कम से कम 13 से 14 वोल्ट, तो वो हम कैसे प्राप्त करेंगे इसमें, तो वो भी मैं आप बता देता हूँ। तो ये जो वायर है हमारी, ये वायर है इसकी साइड में। अब हम सप्लाई पहले ऑफ कर देंगे दोस्तों, सॉरी, अब मैंने ये सप्लाई ऑफ कर दी है इसकी। और ये जो 12 वोल्ट जो पीछे बाहर निकल रही है, ये इससे हम 12 वोल्ट प्राप्त करेंगे। तो ये जो होता है, ये ऐसे सील पैक होता है, तो इसको हम चाकू या किसी पेचकस की मदद से, ये मैंने पेचकस की मदद से फाड़ दिया अभी, तो इसको हम फाड़ लेते हैं तरह से। हमने पेचकस की मदद से फाड़ लिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो वायर है यहाँ पे सोल्डरिंग हो रही है दोस्तों, और यहाँ से नीचे से जो हमारे ट्रांसफार्मर से बाहर निकले हैं, ये 2 वायर निकले थे, वो दो दो वायर इसी में है आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, और 2 वायर इसमें है, ये आपस में ही ज्वाइंट हो रहे हैं। तो इसको हम आयरन की मदद से दोस्तों, ये आयरन की मदद से हम इसको निकाल लेंगे दोस्तों बाहर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको पावर देके इस पर वोल्टेज चेक करूँगा दोस्तों, कितने वोल्टेज ये अब निकाल रहा है ट्रांसफार्मर। मैंने दे दिया है इसको पावर, और मैं इसको लगा देता हूँ एसी वोल्टेज पे, करता हूँ इसके वोल्टेज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने
तेरह चौदह वोल्ट ये निकाल रहा है। अब ये एसी वोल्टेज होते हैं, एक बैटरी चार्ज करने के लिए हमें डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसको एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए एक हम छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मदद से, जो मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास आया है तो मैं लगा के दिखाऊंगा इस पर आपको।